हेलो राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ट्यूसडे है और मैं यहाँ पर आज खाना बनाते बनाते अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं यहाँ ये शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ, भरवा शिमला मिर्च। और अभी क्या है ना, मतलब तांशु और तांशु के पापा, इन दोनों के स्कूल का टाइम जल्दी का हो गया है। सुबह 7 बजे इनको निकलना पड़ता है, 7:30 बजे का हो गया है और 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है दोनों की स्कूलों की, तो 1 बजे तक घर आ जाते हैं। तो अब मैं जो लंच है वो मैं अब दिन में बनाती हूँ, मतलब इनके आने के टाइम तक तैयार कर लेती हूँ। और सुबह दोनों अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और थोड़ा बहुत उसी में से ही टिफिन में पैक कर देती हूँ, तो हल्का फुल्का अपना जो है स्कूल में खा लेते हैं। यहाँ से खाके जाते हैं, थोड़ा बहुत भूख लगती है स्कूल में तो अपना खा लेते हैं। फिर जब तक स्कूल से लौट करके आते हैं ये, तब तक मैं ये लंच तैयार करके रखती हूँ इतना। अब ऐसे है ना, मतलब गरम गरम खाना तब भी खाने को मिल जाता है, नहीं तो अब सुबह ही बना करके रख दूं और टिफिन में ये खाना रोटी सब्जी पैक कर दूं टिफिन में, तो खाना जो है ठंडा हो जाता है। अब हाँ, जब स्कूल का टाइम लेट का होता, छुट्टी देर से होती, तब तो मजबूरी होती है कि आपको खाना ही खाना है। लेकिन अभी जब छुट्टी सही टाइम पे हो रही है तो क्यों ठंडा खाना खाया जाए। 1 बजे तक घर आ ही जाते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते ही हैं, टिफिन में भी हल्का फुल्का पैक कर ही देती हूँ, तो फिर लंच आके कर लेते हैं अपना, गरम गरम खाना तब भी खा लेते हैं। और मैंने ये शिमला मिर्च आलू और प्याज भर के बनाई है। वैसे मैं हमेशा आलू भर के बनाती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ, बट इस बार मैंने बारीक जो है प्याज काट के भी इसमें ऐड कर दी है ताकि सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए। वैसे तो बिना प्याज के भी अच्छी लगती है। और अभी ये चाय नाश्ते के बर्तन में धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों के जाने के बाद ही चाय नाश्ता करती हूँ। और फिर चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह लेकर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि खाना तो मैं देर से बनाती हूँ। और ये बर्तन मैंने यूँ ही सिंक में डाल दिए थे चाय नाश्ता करने के बाद, और अब धुले हैं मैंने। और फ्रेंड्स, अभी मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। मैंने अपनी माँ के लिए कुछ स्पेशल मंगवाया है, तो 14 मई को मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स डे पे अपनी माँ को गिफ्ट करने के लिए मैंने बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर जॉब का ये हैंडबैग मंगवाया है। तो ये जॉब का हैंडबैग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। देखिए इसका लुक, डिजाइन बहुत ही सुंदर है। और आप इसको, इसमें छोटी बेल्ट भी है और बड़ी बेल्ट भी दी हुई है, आप इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हो या फिर आप इसमें बड़ी बेल्ट का भी यूज कर सकते हो। और अगर आप बड़ी बेल्ट यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको हटा भी सकते हो, बड़ी बेल्ट को इस तरीके से ये इसमें दिया हुआ है, आप इसको निकाल भी सकते हो। और ये बेल्ट को आप बड़ी छोटी भी कर सकते हो, इस बड़ी वाली बेल्ट को आप बड़ी भी कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। और ये जो जॉक का बैग है 100% वेगन है और जॉक पेटा अप्रूव ब्रांड है। और ये बैग ना काफी स्पेशियस है, सो इसमें अंदर ये देखिए, ये इस साइड ये दो छोटी छोटी पॉकेट हैं ये इस साइड, जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हो या फिर और भी कोई सामान रखना चाहते हो तो उसे रख सकते हो। और दूसरी इस साइड ये दो छोटी छोटी पॉकेट है और इस साइड भी एक पॉकेट है जिसमें ये चैन दी हुई है, छोटी सी पॉकेट है, इसमें ये चैन दी हुई है, इसमें आप अपने पैसे वगैरह रखना चाहो, जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो इसमें ये। और काफी स्पेसियस भी है, तो जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी टूर पे घूमने जा रहे हैं तो छोटा मोटा जो सामान होता है आपका, अपना मेकअप का सामान है, मैक्सिमम तो बहुत सारी चीजें होती है छोटी मोटी, तो आप इसमें इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो। और फ्रेंड्स, इस बार मदर्स डे पे ना अपनी माँ को जॉब का हैंडबैग गिफ्ट करें। हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है, 9 महीने हमको पेट में रखती है, हमें जन्म देती है, 9 महीने कितनी परेशानी झेल करके जो हमें जन्म देती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके वो हमारे लिए सोचती है, हमारी खुशियों के बारे में सोचती है।
तो उनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट तो बनता ही है। आप भी अपनी माँ को मदर्स डे पे जॉब का हैंडबैग गिफ्ट कीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो जॉब का हैंडबैग गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आप जॉब का हैंडबैग परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसका यूट्यूब लिंक, वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे कूपन कोड YTPOOJAJADAUN12 का यूज करते हैं, चूंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन में भी दिया हुआ है मेरा कूपन कोड, तो अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है इसकी परचेजिंग पे 12% का डिस्काउंट। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपनी माँ को मदर्स डे पे गिफ्ट कीजिए। और जॉब में आपको ऐसे हैंडबैग मिल जाएंगे, स्लिंग बैग हैं, क्लच है, बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स में आपको बैग्स मिल जाएंगे। सो अपनी माँ को इस बार मदर्स डे पे जॉब का बैग गिफ्ट कीजिए। और फ्रेंड्स माँ के लिए गिफ्ट है तो मदर्स डे पे सासू माँ के लिए भी गिफ्ट बनता है, आखिरकार वो भी माँ है, लेकिन वो हैंडबैग यूज नहीं करती है, तो मैं उनके लिए कुछ और अच्छा सा खरीदूंगी। और फ्रेंड्स तो सब्जी बन रही है, तब तक मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा दे रही हूँ। मैं उस दिन मार्केट गई थी तो मैं क्या क्या लेके आई थी, तो मैं एक तो ये तांशु के लिए लोअर लेके आई हूँ। ये देखिए तांशु को ये फौजी डिजाइन में पसंद आया था लोअर, तो एक ये लोअर है उसके लिए, उसकी पसंद का ही लेके आई हूँ। और ठाकुर जी के लिए पोशाक जो दो थी वो खराब सी हो रही थी एक उसमें से, तो फिर एक पोशाक लेके आई हूँ मैं ठाकुर जी के लिए। ये देखिए अच्छी लग रही है ना, कॉटन में है ये पोशाक। और मेरे ठाकुर जी का मुकुट भी खराब हो रहा था तो मैं ये पगड़ी वाला मुकुट लेके आई हूँ उनके लिए, पिंक कलर में, अच्छा लग रहा है ना। और अब मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं अपने लिए अपनी फ्रेंड्स रंजना ब्यूटी की शॉप से ये दो जोड़ी सूट लेके आई हूँ। ये देखिए ये तो मैंने आपको वीडियो में पहन के दिखाया ही था, ये सूट है शरारा, ये देखिए कलर ना आजकल बहुत चल रहा है, और ये मैंने आपको वहां पर पहन के भी दिखाया था। और अभी ये मेरी फिटिंग में नहीं है, मुझे इसकी फिटिंग करवानी है, अभी ये लूज है मेरे, जब फिटिंग करवाऊंगी फिर आपको पहन के दिखाऊंगी, बहुत प्यारा बहुत सुंदर लगेगा ये। ये देखिए इससे किससे ये गले पे इसकी वर्क हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी हो रही है गोल्डन और स्काई ब्लू से, और बीच में इसमें मिरर भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे मिरर भी लगे हुए हैं इसमें। और ये देखिए बाजू पे भी लेस लगी हुई है, आगे ये गोटा पट्टी का, ये गोटा पट्टी का वर्क हो रहा है इसमें, ये गोटा पट्टी की लेस लगी हुई है, और ये इसका बॉर्डर है नीचे का पूरा लेस वाला, और पीछे से ये इस तरीके से पूरा प्लेन है बट बॉर्डर पूरे में है। बहुत प्यारा लगा था मुझे सूट, ये फ्रॉक सूट में है, और ये इसका शरारा है ये, और इसमें नीचे शरारा में भी ये लेस लगी हुई है गोल्डन। और ये है इसका दुपट्टा, उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है ना, ये देखो लेस लगी हुई है दुपट्टे में भी, बहुत सुंदर है, लाइट वेट है। और ये सूट ऐसा है मतलब आप इसे ना कहीं आ जा रहे हो वैसे भी पहन सकते हो, किसी के यहाँ जा रहे हो, उससे मैं अपने घर जा रही हूँ या ससुराल जा रही हूँ वहां भी पहन के जा सकती हूँ, या कोई छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना तो उसमें भी पहन सकती हूँ ये। और इसके बाद एक सूट ये लेके आई, ये पैंट सूट है ये मतलब इसका जो कलर है बहुत प्यारा कलर है, और इसमें देखिए मतलब सिंपल सोवर है ये सूट, और यहाँ ये देखिए इतना वर्क हो रहा है इसमें, मिरर लगे हुए हैं, मोतियों का वर्क है, मिरर का वर्क है, एम्ब्रॉयडरी भी है, ये मतलब एम्ब्रॉयडरी से ये मिरर बांधे गए हैं धागे से।
और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, मतलब सिंपल सोबर लुक है। और ये बाजू पे जो है ये बाजू पे ऐसे वर्क हो रहा है, इसमें ये लेस लगी हुई है बाजू पे, ऐसे कौन बाजू का है। और इसमें ये देखो सबसे प्यारा मुझे क्या पता, ये लटकन लगी, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लटकन है इसमें, दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, बहुत ही सुंदर लटकन है। बाकी पीछे से पूरा प्लेन है ये। और इसका जो कलर है ना, वो जैसे कि हरी मेहंदी आती है ना, सूखी हरी मेहंदी आती है, वो वाला कलर है इसका। और ये पैंट है, तो सेम जैसे बाजू पे लेस लगी हुई है ना, ऐसे ही ये पैंट पे भी नीचे लेस लगी हुई है। और इसका भी दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये है इसका दुपट्टा, ये देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर में है ना, सुंदर। और देखिए दुपट्टे में भी लटकन है, अरे बट ये तो एक ही साइड है। कोई नहीं, मेरी फ्रेंड की शॉप है, एक साइड लटकन है एक साइड नहीं है इसमें, हो सकता है निकल गई होगी, तो मेरी फ्रेंड की शॉप है, मैं उसको बोल दूंगी तो अरेंज हो जाएगी दूसरी लटकन भी। बट सूट बहुत प्यारा है, और उसमें दुपट्टे में ना सूटकेस का वर्क हो रहा है, ये देखिए सूटकेस की लहरिया डिजाइन बनी हुई है। सो बस फ्रेंड्स, यही शॉपिंग है मेरी। वैसे तो शॉपिंग और भी बहुत सारी करनी थी मुझे, अपने लिए सैंडल मतलब चप्पल वगैरह लेनी थी पार्टी वियर, तांशु को भी जूती दिलानी थी, बट लेट इतना हो गए थे तो इतना ही हो पाया, क्योंकि फ्रेंड की शॉप पे बहुत टाइम लग गया थोड़ा बातचीत करने में ऐसे ही, सो फिर कुछ और ले ही नहीं पाए। तो अभी जाएंगे फिर जैसे टाइम मिलता है, फिर किसी दिन जाएंगे तो मैं अपने लिए चप्पल और तांशु के लिए भी लेकर के जो है जूती वगैरह लेकर के आऊंगी। और अभी इनको मैं फोन करके रख दूं। और अभी ये दोनों जस्ट स्कूल से आते ही जा रहे हैं, और आज हल्की सी धूप निकल आई है ना, तो तांशु चश्मा लगा करके आए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला ना कि मैंने अंदर कैमरा लगा रखा है, इन्होंने तुरंत मतलब रूम में एंटर होने से पहले ही चश्मा उतार दिया। तो फिर मैंने बोला शर्म आ रही है तांशु को, चश्मा क्यों उतार दिया, सबको दिखाओ, देखो चश्मे में तांशु कितना सुंदर लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है, फिर तुरंत लगा लिया ये सुन करके। तो मतलब स्मार्ट बनने का, हीरो बनने का बड़ा शौक है, चश्मा लगा करके देखो कैसे अपने हेयर से स्टाइल मार रहे हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बहुत तेज़ जुकाम हो गया है इस मौसम की वजह से, अभी मैंने इनसे मेडिसिन मंगवाई है, तो मेडिसिन लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और अभी जो है हम लोग मार्केट के लिए निकल आए हैं, और ये देखिए आज बारिश हुई है तो पूरा रोड जो है गीला हो रहा है, और जगह जगह पानी भरा हुआ है, और मतलब आने जाने में भी दिक्कत हो गई है पानी भरे हुए की वजह से, मतलब धीरे धीरे जो है वहाँ निकल रहे हैं। और वैसे बारिश का मौसम अच्छा लगता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, बट यही एक चीज़ बुरी लगती है कि चारों जगह जब पानी भर जाता ना, पूरे में किचकिच हो जाती है, तो वही चीज़ जो है इरिटेट करती है। और अभी हम आ गए हैं सैमसंग के शोरूम पे, और हम यहाँ आए हैं वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं धुलने के लिए, हर दो दिन में इनके कपड़े होते हैं। तांशु की यूनिफॉर्म होती है, तांशु की यूनिफॉर्म तो लगभग डेली सी हो जाती है धुलने के लिए, क्योंकि बच्चा है तो डेली गंदी करके ले आता है। और फिर बेड शीट है, ब्लैंकेट हैं, ये सब कपड़े हो जाते हैं। और फिर सूखने में भी यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, मैं बाहर छत पर डाल नहीं पाती बंदरों की वजह से, अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। और अंदर भी डालने के लिए मुझे जो है उनके कपड़ों का पानी निचोड़ने का वेट करना पड़ता है कि उनका पानी निचोड़ जाए तब मैं अंदर डालूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम से नीड थी वॉशिंग मशीन की, और आज ये टाइम आ ही गया है वॉशिंग मशीन लेने का। और मैंने यहाँ पर टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों टाइप की वॉशिंग मशीन देखी हैं, तो इस यहाँ पर जो टॉप लोड थी वो 7 kg से स्टार्ट हैं, और जो फ्रंट लोड हैं वो 6.5 kg से स्टार्ट हैं, लेकिन ये भैया बोल रहे थे कि फ्रंट लोड में अगर आपको लेनी है तो कम से कम 7 kg वाली तो लेना ही आप,
क्योंकि भैया बोल रहे थे कि एक फैमिली के अकॉर्डिंग 7 kg वाली वॉशिंग मशीन सही रहती है। और अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा कौन सी वॉशिंग मशीन लें, टॉप लोड वाली लें या फ्रंट लोड वाली लें। अब टॉप लोड वाली तो मैंने उसका काम देखा है क्योंकि मेरे मायके में भी है, फ्रंट लोड वाली मैंने नहीं देखी कैसे यूज़ होती है, कैसा क्या काम करती है। बट हाँ, इतना ज़रूर सुना है कि जो फ्रंट लोड वाली होती है उसमें कपड़ों की सफाई अच्छे से हो जाती है और वैसे भी बेस्ट भी होती है। अब समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि टॉप लोड वाली लो और मेरा मन फ्रंट लोड वाली का है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप ही लोग इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मैं टॉप लोड वाली लूँ या फ्रंट लोड वाली लूँ। तो अब डिसीजन आप लोगों के ऊपर है, आप लोग मुझे बताइए कौन सी बेस्ट रहेगी। और अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।